आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें यहां पे स्टेटमेंट 1 गिवन है कि इफ ए जो है वो हमारा ये मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स हमारा ये मैट्रिक्स होगा। स्टेटमेंट 2 है कि इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमसे पूछा गया है या फॉल्स है। ठीक है, सो अपन देखें, सबसे पहले अपन मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपन कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाएगा? सो ये है ए 00 0 b 0 0 0 c। ठीक है, सो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? सो ए के कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करें तो क्या बन जाएगा? सिर्फ बी सी आएगा, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग तो जीरो, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा। सो ए बी सी हमारा क्या गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पता है, सो ए इनवर्स हमें पता करना है तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए भी पता करना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है? सो उसके लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा। सो अपन निकालते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सो मैट्रिक्स ए का माइनर अपन निकालें तो यहाँ पे हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। सो ए के कोरस्पॉन्डिंग कैसे माइनर निकालेंगे? तो ए के रो, ए के कॉलम को छोड़ेंगे उस समय बी सी। ठीक है, सो बी इंटू सी बचेगा क्योंकि डिटरमिनेंट क्या बच रहा है? सो बी जीरो जीरो सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी सी आया, इसलिए ए के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ पे माइनर होगा वो बी सी होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे अपन देखें, ठीक है, सो यहाँ पे जीरो के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं माइनर, तो इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो जीरो इंटू सी यानी जीरो, और जीरो इंटू जीरो यानी कि जीरो बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया ये? जीरो। सिमिलरली यहाँ पे अपन देखें तो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग फिर से हमारा क्या आ जाएगा? इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, सो ये जीरो आ गया। अब फिर से अपन देखें, सो इस जीरो के अबाउट निकालें तो इस जीरो के अबाउट हमारा यहाँ पे डिटरमिनेंट जो बचेगा 2×2 का वो हमारा जीरो जीरो और जीरो सी बचेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अपन देखें, सो बी के कोरस्पॉन्डिंग फिर हमारा क्या आ जाएगा? सो बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा ए सी सिर्फ आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए सी। ओके, सो ये ए सी और फिर ये जीरो बन जाएगा और फिर यहाँ भी जीरो आएगा। ठीक है, अपन देख भी सकते हैं उसी तरह से। अब सी के कोरस्पॉन्डिंग देखें तो ये तो हमारा इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो ए बी बचेगा सिर्फ। ठीक है, क्या बचेगा? ये ए बी। सो ये हमने माइनर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है को फैक्टर। ठीक है, सी आई जे इज इक्वल टू क्या होता है? -1 to the power i + j इंटू जो माइनर होता है हमारा एम आई जे। ठीक है, इसको अपन को फैक्टर बोलते हैं। सो को फैक्टर माइनर में ये रिलेशन होता है तो अपन लिख सकते हैं को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या बन जाएगा हमारा? सो को फैक्टर अपन कैसे निकालेंगे यहाँ पे? सो को फैक्टर के लिए अपन देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बी सी, ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। सो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बेसिकली अगर हमने निकालना है सी 1 1 तो अपन लिखेंगे -1 to the power 1 + 1 और एम आई जे हमारा क्या है? बी सी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बन गया? ये बेसिकली बी सी बन गया। ठीक है, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा बी सी आ गया। ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली जीरो के अबाउट निकालें। सो जीरो के अबाउट अगर निकालेंगे तो समय माइनर ही अगर जीरो है तो ये तो टोटल जीरो होगा, फिर ये जीरो है, फिर ये जीरो है। ठीक है, उसके बाद अपन देखें ए सी के अबाउट। सो ए सी के अबाउट देखें तो हमारा सेकेंड टू सेकेंड कॉलम है, सो यहाँ पे आई और जे का 2 और 2 यानी कि 4 वैल्यू हो जाएगा, -1 to the power 4। सो वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू हमारा क्या है? ए सी में आएगा। और फिर जीरो है अगर माइनर तो जीरो ही रहेगा को फैक्टर भी। अब ये भी जीरो, ये भी जीरो, सो को फैक्टर भी दोनों जीरो होंगे। अब बचा हमारा सिर्फ ए बी यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर से हमारा 3 + 3 = 6 होगा -1 के पावर। सो वो हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन देखें तो ये वैल्यू क्या आ गया? ए बी। ठीक है, सो ये हमारा क्या निकला? को फैक्टर। अब हमें पता है एडजॉइंट अगर हमें निकालना है मैट्रिक्स ए का, सो इसको अपन लिख सकते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। सो इसका ट्रांसपोज अगर अपन ले, ठीक है, सो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, सो बी सी जीरो जीरो। फिर से अपन इसको सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करें, सो जीरो ए सी जीरो। फिर से यहाँ पे जीरो जीरो ए बी बन जाएगा, यानी कि अपन देख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए जो है वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, जो कि हमारा को फैक्टर ऑफ ए के इक्वल है, यानी कि ये दोनों हमारे सेम ही हो रहे हैं ट्रांसपोज के बाद भी, को फैक्टर ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पे अपन देखें, सो अगर हमने यहाँ से क्या किया, टोटल मैट्रिक्स से, ठीक है, सो टोटल मैट्रिक्स को अगर हमने ए बी सी से डिवाइड कर दिया मान लो, सो डिवाइड करेंगे अगर टोटल मैट्रिक्स को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब टोटल एलिमेंट को अगर डिवाइड करें, सो यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड करें तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे 1/a बचेगा, फिर 0 0, फिर ये 0 और यहाँ पे 1/b बचेगा। ठीक है, ये 0 0 और यहाँ पे 1/c बचेगा। ओके, सो ए बी सी से हमने मल्टीप्लाई किया और ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया सारे एलिमेंट को। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, सो अब इनवर्स ऑफ ए कैसे लिखेंगे? सो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए बी सी और ये टोटल हमारा मैट्रिक्स यानी कि 1/a 0 0,
फिर 0 1 बाई बी 0 0 0 1 बाई सी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाल रखा है, ए बी सी, ठीक है। सो होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि ये ए बी सी से ये ए बी सी कैंसिल होगा, ठीक है। सो ए इनवर्स हमारा आ गया यहाँ से 1 अपॉन ए 0 0 फिर 0 1 अपॉन बी 0 0 0 1 अपॉन सी, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स हमें गिवन है वो बिल्कुल सही गिवन है, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिया था, सो एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया था, तो उसका जो हमारा इनवर्स आया है वो भी हमारा एक डायगोनल ही आया है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आया है, क्योंकि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारे जीरो है, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो भी एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। सो ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन अपन देखें, सो स्टेटमेंट टू का हमने कहीं भी, यानी कि इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इसका यूज हमने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। स्टेटमेंट वन में हमने किया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करते हुए हमने कहीं पे यूज नहीं किया इसका, ठीक है। स्टेटमेंट टू का इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी से हमारा ये ए इनवर्स डायरेक्टली निकल नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए हमने यूज नहीं किया। सो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।